सब्सक्राइब कीजिए पीएन क्रिएशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं पीएन क्रिएशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कमाल के ऑफर के बारे में जो कि एयरटेल डिजिटल टीवी की तरफ से आ रहा है। अगर आप 200 रुपए का रिचार्ज करते हैं यहाँ पर आपको 100 रुपीज का कैशबैक कैसे मिल जाएगा, हम बात करेंगे इस वीडियो में। और पेटीएम का जो अकाउंट ब्लॉक हो रहा है उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे उसके बारे में, और गूगल पे की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है गूगल पे डेबिट कार्ड उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर आप पेटीएम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, रेफर करेंगे तो 50 से 100 रुपया जी अर्निंग कर सकते हैं पर डे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैं जो जो वीडियो का लिंक दिखा रहा हूं आप उस वीडियो को यूज करेंगे तो आप पेटीएम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। क्यूरेका प्रो हो गया, एक थंडरबर्ड एप्लीकेशन हो गया, उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं, जाकर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा वीडियो है। और एक म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के बारे में मैंने बात किया था, पीकी एप्लीकेशन के बारे में आप सभी को पता होगा। पीकी एप्लीकेशन के बारे में अभी तक अपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में जरूर जाके देखिए दोस्तों, क्योंकि पीजी एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है ना, बहुत ही अच्छा खासा एप्लीकेशन है जहां पर आपको 50 से लेकर 100 रुपीस तक मिल जाएगा। तो जाके जरूर देखिए ना दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने अभी सजेस्ट किया वो जाके जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट जरूर फायदा होगा। तीन वीडियो मैंने बताया, तीन वीडियो अगर पूरा कंप्लीट कर देते जो टास्क मैंने बताया ना तो अगर आप दिन में 100 रुपीस तक कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला अपडेट आ रहा है पेटीएम की तरफ से, पेटीएम में बहुत सारे अकाउंट अभी ब्लॉक हो रहे हैं। उसका रीजन कुछ ऐसा है, जब पेटीएम अकाउंट बनता था, पेटीएम पेमेंट पे बनता था, उस टाइम पे बहुत यूजर ऐसे हैं अपना आधार कार्ड देके एक अकाउंट और वोटर आईडी देके एक अकाउंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बनाए हैं। इसके लिए पेटीएम ने यह फैसला किया है कि आप सभी को पता है अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है उसमें आप एक बैंक अकाउंट में एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खोल सकते एक ही नाम से, ठीक है। सेम यूजर सेम डिटेल्स वगैरह से एक यूजर एक ही अकाउंट खोल सकता है, ये एक आरबीआई की तरफ से नया नियम है, सभी को पता होगा ये बहुत पहले से लागू हो चुका है। लेकिन पेटीएम इसके बारे में पता नहीं था, मतलब आधार कार्ड देके एक अकाउंट, वोटर आईडी देके एक अकाउंट, बहुत सारे यूजर ऐसे अकाउंट खोल रहे थे। तो पेटीएम अभी अभी फैसला किया है जिन लोगों के पास इस टाइप का अकाउंट है उन सभी का अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। पहले आपको एक नोटिस पीरियड देगा पेटीएम, मैसेज आएगा पेटीएम की तरफ से कि भैया आपकी सर आपकी जो भी अकाउंट है अभी ब्लॉक होने वाला है, विदिन 7 डेज के अंदर आपके पास जितना भी पैसा वगैरह है वो सारे विड्रॉ कर लीजिए, आपको अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। उसके बाद आप कस्टमर केयर से बात करें या फिर मेल वगैरह जितना चाहे कर ले, आपको उन लोग की तरफ से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आएगा। इनकेस अगर आप कस्टमर केयर से बात करके भी सेमी चीज बोलते हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई आपका मेल आईडी एक दे दीजिए, हम कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करके कुछ बोलते हैं मगर आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर कुछ ऐसा है, अगर आप अनब्लॉक करना चाहते हैं आपका अकाउंट तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं, इनकेस आपका अकाउंट ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ उसको सेफ में रखना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं आपका जो भी परमानेंट अकाउंट है आपको उसी नंबर पे एक ही साथ लॉगिन करके रखिए, कोई दूसरा यूजर आईडी मत कीजिए लॉगिन। 5 पेटीएम अकाउंट आपका मोबाइल पे लॉगिन मत कीजिएगा, आपका जो भी परमानेंट अकाउंट है उसके कंटिन्यूअसली अभी 10-15 दिन बस रुक जाइए, अभी उसके बाद जब ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा हम लोग फिर से यूज करेंगे। इनकेस कस्टमर केयर से भी बात करेंगे, कस्टमर केयर फोन उठाएंगे आपको बोलेंगे कि सर आपका प्रॉब्लम सेम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप एक मेल आईडी पे आपका जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट है उसके साथ दे दीजिए डिटेल्स, मेल कर दीजिए हम लोग को, आपका जो भी अमाउंट वगैरह है हम लोग उसी बेनिफिशियरी अकाउंट में आपका पैसा भेज देंगे। ये प्रोसीजर रहता है अकाउंट ब्लॉक होने के बाद, तो ये कुछ प्रोसीजर ऐसा रहता है। तो बहुत ही दुख की बात है, मतलब अगर आप बस 2-3 अकाउंट यूज कर रहे होंगे कैशबैक की तौर पे तो अभी तो फिलहाल हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, बहुत ही दुख की बात है। अगर आपका भी पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना ताकि मुझे पता चल सके कि कितना लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो गया है और किस किस रीजन से ब्लॉक हो गया। तो मैंने जो भी रीजन बताया उसके हिसाब से अगर पेटीएम अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता के जाना, आपका वो वाला अकाउंट अनब्लॉक जरूर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो वाला अकाउंट जो रीजन मैंने अभी इस वीडियो में बताया उस रीजन की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इन केस आपका वो वाला रीजन नहीं है कि आपके पास डबल अकाउंट नहीं है, आप लॉगिन वगैरह करते नहीं है ज्यादा अकाउंट अपने मोबाइल पर, फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कस्टमर केयर से बात करके हम लोग कुछ ना कुछ जरूर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट ऑफर आ रहे हैं गूगल पे की तरफ से, गूगल पे ने लॉन्च किया डेबिट कार्ड। पहले क्या होता था ना, हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम फेस किए हैं, किसी दुकान में जाओ पेमेंट वगैरह करने के टाइम भी यूपीआई डालो और बैंक सर्वर नॉट अवेलेबल दिखाते रहता है। आप सभी ने भी, मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है।
तो इसके लिए गूगल पे ने एक सिस्टम लॉन्च किया, आप सभी को पता होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाके या डेबिट कार्ड के जाके बिल पेमेंट करते हैं ऊपर टच करने से भी पेमेंट हो जाता है, सभी को पता होगा। तो ये जो प्रोसीजर है गूगल पे लाने वाला है, आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, मगर उसको भी पता है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। आपका गूगल आईडी का पासवर्ड कभी जिसको भी पता होगा वो जाके दिखा देगा, तो आपका अमाउंट भी कट सकता है, तो आप चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हैं वहां पे जाके। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऊपर अभी स्क्रीनशॉट एक आ रहा है, आप चाहे तो उसको देख लीजिए किस किस का इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्क्रीनशॉट मुझे मिला था तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं, लेकिन गूगल पे की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया है, लेकिन कब तक ये वाला लॉन्च होगा उसका कुछ पता नहीं। चाहता हूँ कि इतना जल्दी हो सके लॉन्च हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये गूगल पे की तरफ से मस्त अपडेट है। अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, बहुत टाइम इसे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, हम लोग भी किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी नेक्स्ट ऑफर आ रहा है, आखिरी ऑफर, जब भी सभी को आपको इंतजार था, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो एयरटेल का डिजिटल टीवी, आप सभी को पता होगा एयरटेल डिजिटल की टीवी के बारे में, उसको अगर 200 रुपीज का रिचार्ज करते हैं आपको 100 रुपीज का कैशबैक यहाँ पे मिल जाएगा। इस ऑफर आ रहा है अमेजन की तरफ से, अमेजन में एक ऑफर चालू है, अगर आप 200 रुपये का एयरटेल डिजिटल टीवी रिचार्ज करते हैं तो 50% के हिसाब से आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा खासा अपडेट है एयरटेल डिजिटल की तरफ से। आपके घर में एयरटेल डिजिटल टीवी है, आप कोई पड़ोसी में वगैरह रिचार्ज करना चाहते हो, आप चाहे तो यहाँ पे जाके रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा खासा अपडेट है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये है, ये सभी यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक यूजर के लिए अवेलेबल है, मतलब मान लो तो प्राइम यूजर के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो इधर देख सकते हैं पेमेंट जो भी ऑफर वगैरह है, मैं इसीलिए इसको रिचार्ज वगैरह ऑनलाइन प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास कोई एयरटेल डिजिटल टीवी यूज नहीं करता है, हम लोग वीडियोकॉन यूज करते हैं, तो वीडियोकॉन तो अभी फिलहाल कुछ ऑफर नहीं है। आपका कौन सा डिजिटल टीवी यूज करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो ये था कुछ ऑफर और कुछ ट्रिक, आशा करता हूँ जो ऑफर जो ट्रिक इस वीडियो में मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपकी तरफ से लाइक करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में नया लूट रनिंग का ट्रिक लेकर, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय जगन्नाथ।